बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरजमीन सिंध को बिलाशुबा ये शर्फ अजीम हासिल है कि यहाँ बेशुमार आरफान हक ने जन्म लिया, जिन्होंने अपने दस्तो किरदार से लाखों गुमकश्तगान राह को सिरात मुस्तकीम दिखाई और खुदा के मिलाने का अजीम काम अंजाम दिया और उनके कलूब को अलाइशों व कदूरतों से पाक करके मसफा बनाया। उन्हीं नेक व बरगुजीदा हस्तियों में एक आफ्ताब वलायत हजरत सैयदुल आरफीन हाफिज मिल्लत मोहम्मद सदीक रहमतुल्लाह अलैह बानी खान का बरचुंडी शरीफ डहर की हैं। हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह के अबाव अजदाद व नसब के बारे में मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। एक राय के मुताबिक आप खानदान कुरैश से ताल्लुक रखते थे जो केच मकरान के रास्ते सिंध में दाखिल हुआ, जबकि दूसरी रवायत के मुताबिक आपके वालिद मियाँ मोहम्मद मलूक ने यहाँ आकर सिंध की मशहूर कौम समेजा में निकाह किया और इसी नस्बत से समेजा कहलाए। गोया ये नस्बत नन्याली खानदान की तरफ है। आपकी वलादत की मुकम्मल तारीख कहीं दस्तयाब नहीं, ताहम सने वलादत 1819 ईस्वी 1234 हिजरी है। सने पैदाइश के मुताबिक आपकी उम्र 74 वर्ष बनती है और यही उम्र मुसन्निफ अब्दुल रहमान ने तहरीर की है, जबकि इसके बरक्स एक और मुअर्रख हामी उबैदी इस सने पैदाइश से इख्तलाफ करते हुए आपकी उम्र 100 बरस से ज्यादा बयान करते हैं। हजरत हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह के बचपन में ही उनके वालिद का इंतकाल हो गया और तालीम व तरबियत के सारे फराइज़ आपकी वालदा के सर पर आन पड़े। शुरू में वालदा ने एक हाफिज कुरान का एहतमाम किया जिससे आप कुछ अरसा तक नाजरा कुरान मजीद पढ़ते रहे। बाद में मजीद इल्मी ज़ौक व शौक आपको साबिक रियासत बहावलपुर ले गया, जहां आप एक मकतब में दाखिल हुए। फिर जब आपकी वालदा ने हजरत सैयद मोहम्मद हसन जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जो अपने मुर्शद के हुक्म पर सुई शरीफ तशरीफ लाए, उनकी शोहरत सुनकर हजरत हाफिज मिल्लत मोहम्मद सदीक रहमतुल्लाह अलैह की वालदा ने आपको हजरत जिलानी साई रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में ले गईं। इस वक्त आपकी उम्र 11 बरस थी। उन्होंने बातनी नजर से फौरन भांप लिया कि ये बच्चा बड़ा होकर नामवर हस्ती बनेगा। आपने मोहब्बत और खसूसी शफकत का बर्ताव किया और अपने हाथ ठहरा लिया और ना सिर्फ जाहरी बल्कि बातनी तरबियत भी करना शुरू कर दी। खरका खिलाफत मिलने के एक अरसे बाद तक अपने मुर्शद की बारगाह में रहकर सुलूक व इरफान की मंजिलें तय करते रहे और खानकाह व फुकरा की खिदमत में पेश रहे और आपने कुरान मजीद अपने मुर्शद हजरत जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ हिफ्ज किया था। खरका खिलाफत अता करने के बाद आपके मुर्शद हजरत जिलानी साई रहमतुल्लाह अलैह ने आपको हुक्म दिया कि अब जाकर खल्के खुदा को हिदायत की तरफ बुलाएं। लिहाजा अपने मुर्शद के हुक्म के मुताबिक लोगों को रुश्द व हदायत की तरफ बुलाने की गर्ज से आप अपने मस्कन भरचुंडी शरीफ वापस तशरीफ लाए। यहाँ आपने 1876 में खानकाह भरचुंडी शरीफ की बुनियाद रखी, जहाँ से आपने बाकायदा तौर पर रुश्द व हदायत का सिलसिला शुरू किया। 19वीं सदी को सिंध में जहालत और बेइल्मी का दौर कहा जाए तो बेजाना होगा, क्योंकि इस दौर में सिंध के अंदर तबकाती निज़ाम अरूज पर था। ऊंचे तबके के अफराद को हर आसाइश और सहूलत हासिल थी, जबकि अवाम उन्नास अफलास और गुरबत और मसाइब में गिरफ्तार थे और उनकी जिंदगी जानवरों जैसी थी। सिंध पर अंग्रेजों का बाकायदा तसल्लुत 1843 में हुआ। उन्होंने तालपुरों को जंगे मियानी और दोआबा में शिकस्त देकर पूरे सिंध पर कब्जा कर लिया था। हाफिज मोहम्मद सदीक रहमतुल्लाह अलैह ने खानकाह के बाकायदा क़याम के बाद भरचुंडी शरीफ में सबसे पहला काम ये किया कि यहाँ एक आलीशान मस्जिद की बुनियाद रखी, जिसकी असास कामल व तहारत पर थी। जमात के फुकरा ने अव्वल से लेकर आखिर तक बावजू होकर इसकी तामीर में हिस्सा लिया और मशहूर है कि इस मस्जिद की एक ईंट भी बगैर वजू के नहीं लगी। हजरत हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह ने बनफसे नफीस इसकी तामीर में हिस्सा लिया, मट्टी और गारा खुद उठाते और यहाँ महमूद और अयाज का फर्क मिटाया। मस्जिद के साथ आपने एक मदरसा की भी बुनियाद रखी। आपने कुरान मजीद अपने मुर्शद हजरत जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ हिफ्ज किया था और कुरान मजीद से बेहद शगफ रखते थे। कुरानी और दीनी अलूम के अलावा आपने खास तौर पर हिफ्ज कुरान को आम करने के लिए मदरसा कायम किया। इस मदरसा में बेशुमार तुलबा दूर दूर से आकर कुरान मजीद हिफ्ज करने लगे। आप रोजाना बाकायदगी से हिफ्ज कुरान का दर्स भी देते, जैसा कि जिक्र इलाही को दीन इस्लाम और तसव्वुफ में बुलंद मुकाम हासिल है। ये ना सिर्फ कुर्ब ज़ाते खुदावंदी का जरिया है बल्कि इससे दिलों के जंग दूर होते हैं, लिहाजा जिक्र इलाही आपकी तरीकत का बुनियादी वस्फ है। हदीस मुबारका में सबसे अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमा को करार दिया गया है। इसी जिक्र की तलकीन आपके रूहानी निज़ाम का एक हिस्सा है। इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि
अलैहि वसल्लम की कामिल इत्तबा का ये जज्बा महज अपनी जात तक ना था, बल्कि आपको अपनी जमात के मुरीदैन और तालबीन के अंदर भी भरपूर अंदाज में फैलाया। यही वजह थी कि आपकी जमात के लोग भी अपनी जिंदगियां इन्हीं असूलों पर ढालने के लिए अमल पैरा रहे। हजरत हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह का इल्मी मुकाम बहुत बुलंद है। खानका के कुतुब खाने को देखने से पता चलता है कि आपने बहुत सी दरसी कुतुब का मुताला किया था। इस दौर में चूंकि उर्दू में इस कदर मरवज ना हुई थी, इसीलिए फारसी कुतुब ही आपके जेर मुताला रही। इन कुतुब पर आपकी मोहर के निशानात मौजूद हैं। इनमें कंजे पारसी, शरौकाया और कदूरी व हदाया शामिल हैं। आप दीनी व रूहानी कुतुब से बेहद शगफ रखते थे। आपने खानका में कुतुब खाने की बुनियाद रखी। एक रवायत के मुताबिक आपके कुतुब खाने में हजारों की तादाद में मुख्तलिफ मौजूआत पर कुतुब शामिल थी, जिनमें फिका, हदीस, तसव्वुफ, तारीख, तसव्वुर पर दारे कुतुब मौजूद थी, मगर नाकदरी और अदम हफाजत के बायस अक्सर कुतुब जाया हो गई। मखदूम मोहम्मद हाशिम ठठवी का ब्याज, जो दो जखीम जिल्दों में है, आपने बतौर खास अपनी जमात के एक मौलवी इलाही बख्सियाल कोटी से लिखवा कर अपने कुतुब खाने में रखवाया। इसके अलावा अपने जानशीन के लिए तसव्वुफ का एक रसाला नातका कलमी भी लिखवाया। इसी एक रसाला रसालो सलूक जो का मौजू तसव्वुफ है। इसमें सिलसिला कादरिया के अजकार, वज़ाइफ, रूहानी लताइफ की तशरीह और इस सिलसिले की तस्बीहात व अशगाल की वजाहत की गई है। ये रसाला 260 अशार पर मुश्तमिल है। हाफिज मोहम्मद सदीक रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात का मजमू जामे इरफान के नाम से शाये हो चुका है। इसके जामे बलोचिस्तान के एक आलम दीन मौलवी उबैदुल्ला है। मलफूजात का ये नुस्खा हजरत खलीफा ताज महमूद अमरोटी रहमतुल्लाह अलैह के पास था। चुनाचे अमरोट से दरगाह बायजी घोट की पहुंचा और फिर वहां से हासिल करके इसे भरचुंडी शरीफ लाया गया। इसका उर्दू तर्जुमा सैयद मोहम्मद फरूकुल कादरी ने किया है और इसकी अशात लाहौर से हुई। रिवायत है कि हजरत खलीफा ताज महमूद अमरोटी अपने मुर्शद के इन मलफूजात से इस कदर गहरी अकीदत व मोहब्बत रखते थे कि नुस्खा को हमेशा अपने सरहाने रखते और बगैर वजू किसी को इस पर हाथ लगाने नहीं देते थे। अगर कोई ऐसा करता तो इस पर शदीद नाराजगी का इजहार करते थे। आपकी तसानीफ, रसाले, मलफूजात व दीगर अजकार वज़ाइफ के जरिए लोगों की बड़ी तादाद फैजियाब हुई। हाफिज मोहम्मद सदीक रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शद हजरत सैयद हसन शाह जलानी रहमतुल्लाह अलैह में जो जज्बा जहाद मुज़न था, वही जज्बा आपको बाइना मुंतकिल हुआ। तौहीद को फैलाने, शिर्क व बिदात और गैर शरी रसूमात के खिलाफ आपकी जद्दोजहद मिसाली है। जहाद पतन मीनारा और पीर सहरी का वाकया, इन तमाम की तफसील कुछ यूं है कि पतन मीनारा रहीम यार खान शहर से 5 मील के फासले पर जनूब में एक गैर इबाद इलाके में वाकया है। ये एक कदीम बस्ती है जो पाकिस्तान के असारे कदीमा से ताल्लुक रखती है। ये तहजीबी लिहाज से मोइनजो दाड़ो और हड़प्पा से मुमासलत रखती है। मशहूर है कि यहाँ एक बुद्ध मंदिर था जिसका पर्वत बड़ा मक्कार आदमी था, जो एक नंगे बुद्ध के जरिए मुसलमानों के अकायद खराब करता था। वो यहाँ शिवलिंग की पूजा के अलावा मुसलमानों की जहालत और सादा लोई से फायदा उठाकर इन्हें मुशरकाना अकायद की तरफ मायल कर रहा था और मुसलमानों में बुत परस्ती जैसे रुझान को फरोग दे रहा था। एक ख्याल ये भी है कि ये दरअसल मुसलमानों को शुद्धि करने की तहरीक का हिस्सा था। इसकी इतला इलाके के चंद मजलूम मुसलमानों ने हजरत सैयद हसन जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को दी। अकीदे तौहीद के खिलाफ इस घिनौनी साजिश का इस्तेहसाल आपने जरूरी समझा और आपने अपने फुकरा और दरवेशों का एक लश्कर जहाद की गर्ज से तैयार किया और इस लश्कर का सलार हजरत हाफिज़े मिल्लत मोहम्मद सदीक रहमतुल्लाह अलैह को बनाया। इस लश्कर कुशी की इतला जब इस वक्त के नवाब बहावलपुर को हुई तो उसको ये बात नागवार गुजरी। उसने एक वफद जिसमें एक हिंदू पंडित भी शामिल था, हजरत जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास भेजा और वफद के जरिए ये सवाल कराया कि अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है या रब्बुल मुस्लिमीन। हजरत जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ये सुनकर जलाल में आ गए और जवाब में फरमाया कि नवाब को जाकर कहो कि अपनी बेटी की शादी किसी हिंदू पंडित से कर दो, जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। वफद गुस्से के आलम में वापस हुआ और सारा अहवाल नवाब से गोश गुजार किया। नवाब ने इसे अपनी तोहीन समझा और फुकरा के साथ जंग करने का इरादा किया। हजरत हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह की क्यादत में लश्कर ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाते हुए पूरे जोशो खरोश के साथ मंदिर पर हमला आवर हुआ। बुद्ध बख्शु इसकी ताब न लाकर वहां से फरार हो गए और इस तरह बगैर किसी बड़ी मुजाहमत के फुकरा
पुराने मंदिर पर कब्जा कर लिया। ये सूरत हाल देख कर नवाब सुलह पर आमादा हुआ और पैगाम भिजवाया कि पतन मीनारे का ये इलाका हम आपको बतौर जागीर देते हैं। इस पर हजरत जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहला भेजा कि जहाद के बाद अब ये पूरा इलाका मुजाहिदीन की मलकियत में आ चुका है। इसके बाद इस मंदिर और बुत को गिराकर एक मदरसा और मस्जिद तामीर की गई और लंगर का एहतमाम किया गया। ये मंदिर माँ जागीर के 800 बीघे जमीन पर मुश्तमिल था। अब वो चाहे फुकरा के नाम से मशहूर है। इसी तरह एक और वाक्य में हजरत हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह बलोचिस्तान के तबलीगी सफर पर थे। दौरान सफर आपका गुजर पीर सहरी की कब्र से हुआ, जो बलोच कबाइल बिलखसूस बुगटी कबीलों की अकीदत का मरकज है। इन कबाइल की औरतें पीर सहरी की कब्र पर जाकर साइल बनती हैं और मन्नतें मानती हैं। अगर अल्लाह ताला की कुदरत से इनके यहाँ औलाद हो जाए या कोई और मतलूबा मकसद भर आए तो ये औरतें अपने बाल लटकी सूरत में गूंद कर सहरी की कब्र पर ले जाती हैं और कब्र के मुजावरों से ये बाल कटवा कर पीर की कब्र के करीब लगा देती हैं। आप पीर सहरी की कब्र पर तशरीफ ले गए और फातह खानी के लिए हाथ उठाए तो बजरिया कशफ आपको इलम हुआ कि ये कब्र फर्जी है और इसमें कोई मैयत सिरे से दफन ही नहीं है। आप ला हौल वला कुव्वता पढ़कर बाहर निकल आए। फकीर अब्दुल रहीम ने जो आपके हमरा था ये बात पूरी जमात को सुनाई, जिस पर तमाम जमात के फुकरा ने मिलकर कब्र को तोड़ फोड़ कर बराबर कर दिया। इसके बाद आपकी वहां से रवानगी हुई। कुछ आगे जाकर आपने जमात को पड़ाव डालने का हुक्म दिया। इस वाक्य की इतला जब कब्र के मुजावरों और अकीदतमंदों को हुई तो वो लोग जो कि सैकड़ों की तादाद में थे घोड़ों पर सवार होकर आपके पास पहुंचे। इस मौका पर कुछ फुकरा परेशान हो गए और हजरत हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगे कि आज तो शायद हम बेगौरव कफन हो जाएंगे। आपने उन्हें हौसला देते हुए फरमाया कि तुम लोगों ने कुरान मजीद नहीं पढ़ा। बलोचों ने आपसे पूछा कि हमारे पीर की कब्र आप लोगों ने क्यों मिटाई है। आपने फरमाया मुझे इस बुरी रस्में पैदा करने वाले सहरी गाची पंजू वगैरह जहां भी मिले इन्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने बलोचों की ना सिर्फ तोहीन बल्कि इनकी गैरत को भी ललकारा है और मैं इंशाल्लाह बलोचों की इस तोहीन का बदला लेकर रहूंगा। दरअसल ये तबलीगो तालीम का एक ऐसा नफ्सियाती अंदाज था जो इनके मजाज व तमद्दन के ऐन मुताबिक था, जिसका खातिर ख्वाह असर हुआ और फौरन नरम पड़ गए। तसव्वुफ व वलायत की बुनियाद चूंकि शरीयत व सुन्नत पर कायम है, यही वजह थी कि हजरत हाफिज मिल्लत मोहम्मद सदीक रहमतुल्लाह अलैह इसकी सख्ती से पाबंदी करते थे और ऐसी तमाम अमूर और रसूम से नफरत करते थे जिनका शरीयत इजहारी से कोई ताल्लुक नहीं होता था और ऐसे गैर शरी अमूर से मना फरमाते थे, जैसा कि आप शादी ब्याह की किसी ऐसी तकरीब में हरगिज शिरकत ना फरमाते जिसमें ढोल बाजे गाने या मौसीकी के दीगर आलात का इस्तेमाल होता। जमात के फुकरा को भी ऐसा ही हुक्म था। लिहाजा ऐसा भी होता कि जमात के फुकरा अपने शेख कामिल के फरमान के मुजब अपने करीबी रिश्तेदारों की शादियों में महज इसलिए शिरकत ना करते कि वहाँ ढोल बाजे वगैरह होते। भरचुंडी शरीफ में खानकाह के बाकायदा क्याम के बाद जब मस्जिद शरीफ तामीर की गई तो इस दौरान एक मैमार आपका मोतकद होकर आपके दस्ते मुबारक पर बैयत कर चुका था और उसने मस्जिद की तामीर का सारा काम बिला किसी मुआवजा महज सवाब की खातिर किया। जब मस्जिद की तामीर का काम मुकम्मल हो गया तो मामार मजकूर अपने घर वापस जाने के लिए इजाज़त लेकर स्टेशन डहरकी की तरफ रवाना हुआ। इसकी जेब में मुल्तान तक का किराया ना था। वो इसे परेशानी में चला जा रहा था कि उसे पीछे से एक मानूस आवाज़ सुनाई दी। मुड़कर देखा तो हजरत हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह खड़े थे। उन्होंने मामार को एक पोटली देते हुए फरमाया, मेरे भाई तुमने मस्जिद का काम फी सबीलिल्लाह किया, हम भी ये फी सबीलिल्लाह तुम्हारी नजर कर रहे हैं। मामार की हैरत की इंतहा न रही। आगे जाकर जब पोटली खोली तो अपनी मेहनत से ज्यादा रकम मौजूद थी। आप हमेशा राह हक से उम्मीद की तलकीन फरमाते थे। तालिब सादिक और अहले तोहीद को चाहिए कि वो हर दुख सुख में इसी तरफ निगाह रखे। तोहीद में दो किबले इख्तियार करने से ये रास्ता तय नहीं हो सकता। इस्लाम की इशात में आपकी मसाई काबले कदर है। गैर मुसलमों की एक बड़ी तादाद आपके दस्ते मुबारक पर मुसलमान हुई। दूर और नज़दीक से बेशुमार गैर मुस्लिम आते और आपकी एक झलक देखकर अपने अबाव अजदाद का मज़हब छोड़कर मुसलमान हो जाते। इन गैर मुसलमों की सही तादाद का तो इलम नहीं, लेकिन एक अंदाज़ा है कि इनकी तादाद लाखों में है। इन्हीं गैर मुसलमानों में एक नुमाया नाम मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी का है, जिन्होंने आपके हाथों इस्लाम कबूल करने के बाद बकौल उनके मेरी तर्ज़ मुआशरत ऐसी हो गई जैसी पैदाइशी मुसलमान की होती है। सिंध के हवाले से हज़रत मोहम्मद सदीक रहमतुल्लाह अलैह के खुलफ़ा मजाज में से एक अहम नाम
हज़रत सैयद मौलाना ताज महमूद अमरोटी रहमतुल्लाह अलैह का है, जिन्होंने ना सिर्फ खानकाह कायम करकर आपकी तालीमात को फैलाया बल्कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद में भी भरपूर हिस्सा लिया। सिंध में हज़रत अमरोटी के अलावा खलीफा दिल मुराद ख़ान जैकबाबाद, खलीफा रबडाना हकड़ा लाड़काना के ज़रिए आपकी तालीमात का शोहरा दूर दूर तक पहुँचा। यही वजह है कि घोटकी, खैरपुर, शहदादकोट जैसे इलाकों में हज़रत हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह की जमात और मुरीदीन की तादाद बहुत ज़्यादा है। पंजाब के खिता से ताल्लुक़ रखने वाले आपके खुलफा मजाज में से सबसे नुमाया नाम हज़रत खलीफा अबुल सराज ग़ुलाम मोहम्मद दीन पुरी का है। आपके कारनामों से कौन वाकिफ़ नहीं। आपको अपने मुर्शद हज़रत हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह से जो अकीदत व मोहब्बत थी इसकी मिसाल नहीं मिलती। आपको अपने मुर्शद कामिल के खलीफा अव्वल होने का भी एजाज़ हासिल है। आपका कौमी तहरीकों में किरदार, तहरीक रेशमी रुमाल के दौरान कैदोबंद की सोबतें, अंग्रेज़ इस्तेमार के खिलाफ जद्दोजहद काबिल ज़िक्र कारनामे हैं। हज़रत खलीफा शम्सुद्दीन अहमदपुरी खलीफा अब्दुल अजीज़ कालाबाग का ताल्लुक भी इसी पंजाब के खिते से था, जिन्होंने अपने शेख कामिल की तालीमात को आम करने में नुमाया हिस्सा लिया। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले आपके खुलफा में से खलीफा अबुल खैर दश्त कोयटा, मोहम्मद शरीफ बलूचिस्तानी और उनके फर्जंद मौलवी उबैदुल्ला के नाम नुमाया अहमियत रखते हैं। इस खिते में इन हजरात ने आपकी तालीमात को आम किया। बलूचिस्तान के ज़िला जाफराबाद नसीराबाद खिची में हज़रत हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदैन व मोतकदीन की खासी तादाद आबाद है। इसके अलावा चश्मा कोयटा के मशायख हज़रत ख्वाजा फैज़ुल हक नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह और उनके फर्जंद हज़रत उमर जान नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक खातिर भी हज़रत हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह के साथ रहा। ना सिर्फ ये बल्कि खलीफा अब्दुर्रहमान काबली अफगानिस्तान और हज़रत खलीफा उमर शाह इराक ने इस खित्ते से बाहर तक आपकी तालीमात को पहुँचाया और मखलूक खुदा की रहनुमाई की और उनके ज़रिए बड़ी तादाद में लोग फैज़ रूहानी से मुस्तफीद हुए। हज़रत हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह के खुलफा मजाज ने जो ज़ैली खानकाहें कायम की उनके फैज़ याफ्ता खुलफा ने आगे चलकर अपने अपने रूहानी और दीनी मराकज़ में तालीमो तबलीग के ज़रिए आपके नाम और पैगाम को मज़ीद फलने फूलने का मौका फराहम किया। हज़रत खलीफा ताज महमूद अमरोटी रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए शेखुल तफसीर मौलाना अहमद अली लाहौरी, मौलाना अब्दुल अज़ीज़ थरीचानी शरीफ, अगरचे इन ज़ेली गदी नशीनों के मसालिक और फ़्रो में खानकाह भरचुंडी शरीफ के मशायक से किसी हद तक इख्तलाफ़ है, ताहम हमें इस तनाजुर से हटकर ये देखना है कि ये सब फैज़ याफ्ता उन अफराद से हैं जो हज़रत हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह के ख़ास रफ़ीक और खुलफ़ा मजाज हैं। हज़रत खलीफा ग़ुलाम मोहम्मद दीन पुरी की रूहानियत और कमालात से जिन मशहूर अफराद ने फैज़ पाया उनमें शेखुल इस्लाम सैयद हुसैन अहमद मदनी, मौलाना अहमद अली लाहौरी, हज़रत मौलाना अब्दुल हादी शामिल हैं। आपने अगरचे खुद बराहे रास सियासत में हिस्सा नहीं लिया लेकिन आपके अंदर जज्बा हुर्रियत मौजूद था। आपका दौर बड़े सगीर अंग्रेज़ों के तसल्लुत का दौर है जिसको आपने हमेशा नफ़रत की निगाह से देखा। कई बार आपने जलाल में आकर फरमाया कि ये अंग्रेज़ हमारे आगे क्या चीज़ है, हम तो राज़ी बा रज़ा इलाही बैठे हैं। लिहाजा हम देखते हैं कि आपकी इस अंग्रेज़ दुश्मनी और जज्बा आज़ादी के असरात आपके जानशीनों और खुलफा पर वाज़े नज़र आते हैं और इसका सबूत अमली आपके जानशीनों और खुलफा की वो अजीम जद्दोजहद है जो उन्होंने मुसलमानाने बरे सगीर की बेदारी और अंग्रेज़ी इस्तेमार के खिलाफ सफ़े आरा होकर की और बिला आखिर जिसके नतायज में एक अलग इस्लामी ममलकत के आम की राह हमवार हुई। चुनाचे हम बजा दौर पर कह सकते हैं कि बरे सगीर से अंग्रेज़ों की हमेशा के लिए रुखसत और नई रियासत पाकिस्तान का क़याम आपके जानशीनों और खुलफा की अजीम मसाई का नतीजा है। हज़रत हाफिज़ मोहम्मद सदीक रहमतुल्लाह अलैह ने शरीयत व तरीकत पर हम आहंगी पर अपने सिलसिले की बुनियाद रखी। आपके नज़दीक शरीयत और तरीकत दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं बल्कि उनका आपस में गहरा ताल्लुक है। आप तरीकत की बुनियाद शरीयत ही को करार देते हैं। आपके नज़दीक तरीकत की मंजिलें शरीयत की पाबंदी ही के ज़रिए तय की जा सकती हैं। जो कोई शरीयत से हटकर राह तरीकत इख्तियार करेगा गुमराही का शिकार होगा। आपके फरमुदात के मुताबिक शरीयत, तरीकत और
हकीकत के माबैन फ़र्क ये है कि शरीयत आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल का नाम है, तरीकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात व फरामीन को कहा जाता है, जबकि हकीकत वो है जिसे आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चश्मे मुबारक से मुलाहजा किया। हज़रत हाफिज़ मोहम्मद सद्दीक़ रहमतुल्लाह अलैह आखिरी उम्र में कब्र सनी और आवारजात के बायस काफ़ी कमज़ोर हो गए थे, जिसके बायस आपको नमाज के लिए बार बार वजू करना पड़ता था। इन्हीं अयाम में आप आखिर वक्त नमाज अदा करते थे और किरात भी मुख्तसर करते, लेकिन इन तमाम तकालीफ और बीमारियों के बावजूद बाजमात नमाज का मामूल रहा, हत्ता के नफल तक कज़ा ना किए और ऐसे ही दीगर तमाम मामूलात भी पाबंदी के साथ अदा करते रहे। आपका विसाल 10 जमादानी 1308 हिजरी बामुताबिक 22 जनवरी 1891 ईस्वी को हुआ और आपका रोज़ा मुबारक भरचुंडी शरीफ डहरकी में वाक़ है।